क्या आपने काले चावल की बनी हुई कोई रेसिपी खाई है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काले चावल की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। हेलो एंड वेलकम बैक टू गोल्डस किचन। तो गाइस, गोल्डस किचन में बनने वाला है ब्लैक फ्राइड राइस। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी लोग काले चावल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, बट उसके ढेर सारे फायदे हैं, तो आप इसके बारे में जरूर सर्च करना। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को काले चावल के कुछ फायदे बताए जाए और उसके साथ कुछ अलग सी रेसिपी बनाई जाए। तो आज हम ब्लैक फ्राइड राइस बनाएंगे और ये फ्राइड राइस आपको रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा महंगे मिलेंगे, तो ये बहुत ही लो कॉस्ट आप अपने घर पे बना सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली आपकी इंजॉय कर सकती है। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और वो भी कुछ यूनिक है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करना। तो आइए फटाफट से इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। राइस फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये काले वाले चावल लिए हैं लगभग 250 ग्राम के करीब। ये ब्लैक राइस आपको बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इन चावलों को परचेस कर सकते हैं। ये चावल काफी ज्यादा हेल्दी होता है तो इसलिए आप इसे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चावलों को 2 या 3 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि पूरी तरीके से ये साफ हो जाए। इसे अच्छे से वॉश करना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। तो चावल अच्छी तरीके से धुल गए हैं, अब फटाफट से हमें इसे कुक करना है। चावल को पकाने के लिए मैंने पहले से एक भगोने में पानी डाल करके गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छी उबाल आ गई है। फ्लेम को करेंगे स्लो और इसमें हम धुले हुए ब्लैक राइस को डाल देंगे अच्छी तरीके से। और इन चावलों को पकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, जैसा कि आप नॉर्मल राइस बनाते हैं उस तरीके से चावल पक जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी हमने बहुत ज्यादा नहीं रखी है, जितनी चावल होगी उससे डबल हमें पानी रखना है। और अब मैं इसे ढक करके पकाऊंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है कि ये चावल पका है या नहीं। और आप देख सकते हैं पूरा जो चावल का पानी है पूरा डार्क पर्पल कलर का हो गया है, तो हम इसे ढक करके पकने देंगे। तब तक हम कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए आप अपने मन चाहे सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाजर है उसे बारीक बारीक कट कर लूंगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक कट कर लूंगी। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्या करेंगे, चाकू से हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए आप अपने पसंदीदार और भी जो सब्जियां आपको पसंद है ना वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे, तो उसे भी मैं एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी। आप चाहे तो लंबे लंबे पीसेस में भी पत्ता गोभी को कट कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज भी कट किया है। तो थाली में मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से कट करके सजा लिया है। अब हम फटाफट से चावल को चेक कर लेते हैं कि चावल की क्या कंडीशन है। तो चावल आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। अभी भी इसे थोड़ा सा पकने में वक्त लगेगा क्योंकि हल्का हल्का ये गीला है चावल। मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बने हैं, एकदम बढ़िया तरीके से चावल हमारे कुक हो रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, अभी हल्का सा और कुक करना पड़ेगा इसे। तो मैं क्या करूंगी, धीमी आंच पे मैं इसे इसी तरीके से खुला ही पकने दूंगी क्योंकि हमें इस चावल को एकदम खिले खिले बनाना है। तो मैं इसे इसी तरीके से पकने देती हूँ और फटाफट से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, साइड बाय साइड आप देख सकते हैं चावल कुक हो रहा है। अब इस कढ़ाई में हमें डाल देना है ऑयल और अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म करना है। तो जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होगा ना, हमें इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट। आप ऐड कर सकते हैं, ददरा कूट करके डाल सकते हैं या फिर फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, बट आप इसे क्रश करके डालेंगे ना तो गाइस बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। एक बार आप जरूर ट्राई करना क्रश करने के बाद। जिंजर गार्लिक और चिली को हल्का सा भून लेना है ताकि अच्छी तरीके से जब इसमें अरोमा आने लगे ना उसके बाद हम इसमें सब्जियों को ऐड करेंगे। सो फाइनली आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ गाजर। दोनों को हमें पहले अच्छी तरीके से 2 या 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा फिर उसके बाद हम बची सब्जियां ऐड करेंगे। तो 2 या 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम पे ये सारी सब्जियों को हमें अच्छे से कुक करना है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा मशरूम काट के डाल सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो आपकी फेवरेट वाली सब्जी है ना वो भी आप डाल करके फ्राइड राइस बना सकते हैं। और ब्लैक फ्राइड राइस की तो बात ही अलग है गाइस। प्याज और गाजर को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें बची हुई सब्जियां ऐड करेंगे, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को।
आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा पनीर ऐड करना चाहते हैं तो आप लास्ट में ऐड करना, और बाकी जितनी भी सब्जियां हैं जैसे कि मशरूम हो गया, आप इस स्टेज पे सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। तो इन सब्जियों को भी हमें लगभग 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है, भून लेना है ताकि सब्जियां पक जाए। वैसे भी फ्राइड राइस में जो सब्जियां होती है वो ओवर कुक नहीं होती है, हल्की सी वो कच्ची होती है, मतलब 80% तक सब्जियों को पकाया जाता है। तो हम भी इसे इसी तरीके से पकाएंगे। तो जब ये सब्जियां पक जाएगी उसके बाद हम बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। सब्जियों को पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसे सोया सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोया सॉस का डब्बा है ना, उसी के ढक्कन से ही मैं डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजीनोमोटो, 1/2 छोटा चम्मच के करीब अजीनोमोटो ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मैं यहाँ पे सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल नमक खाते हैं तो नॉर्मल नमक डाल देना स्वाद के अनुसार। सभी चीजों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेजवान फ्राइड राइस बनाना चाहते हैं तो सेजवान चटनी आपको इसी स्टेज पे ऐड करना होगा, और थोड़ा सा आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर लेना। तो सभी सब्जियों को, मसालों को, आपने देखा सॉसेस को, अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और सारी सब्जियां अच्छी तरीके से पक गई है। तो अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, चावल इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो चावल है बहुत अच्छे से कुक हुए हैं, एकदम सेपरेट सेपरेट एकदम खिले खिले बने हैं। ऐसे ही चावल बनाना है। और चावल का कलर आप देख सकते हैं, हल्का सा पर्पल या फिर मरून कलर का चावल हमारा दिख रहा है, तो इसी को ब्लैक राइस कहते हैं गाइस। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इस चावल और सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। उसके बाद हम इन्हें करेंगे सर्व। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि ब्लैक फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, जिसमें ढेर सारी सब्जियां हैं, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी, एकदम गर्मा गर्म है। और बरसात के सीजन में गाइस अगर ऐसा राइस मिल जाए ना तो मजा आ जाए बरसात का। ब्लैक फ्राइड राइस की खास बात ये है कि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, और दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। तो इस फ्राइड राइस को आप बहुत ही लो कॉस्ट पे अपने घर पे बना सकते हैं और पूरी फैमिली इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए गाइस, बरसात के सीजन में आप भी इंजॉय करिए ब्लैक फ्राइड राइस, जिसे मैंने गार्निश किया हुआ है करी लीव्स के साथ। तो आप भी इस तरीके से बहुत ज्यादा टेस्टी ढेर सारी सब्जियों के साथ एकदम खिले खिले दानेदार फ्राइड राइस बन करके तैयार हो गया है। तो इस ब्लैक फ्राइड राइस को गाइस आप भी इंजॉय करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख करके बताइए, उसकी पिक आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तो इस ब्लैक फ्राइड राइस को आप जरूर ट्राई करिए, आई होप आपकी पूरी फैमिली को ये रेसिपी पसंद आएगी। सो गाइस, तब तक के लिए मैं तो जा रही हूं इसे इंजॉय करने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो मैं तो जा रही हूं बरसात के सीजन में गर्मा गर्म ब्लैक फ्राइड राइस इंजॉय करने, और अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आज इस रेसिपी को ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय।